हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे तो फिर से मैं हाजिर हूँ 25 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आज का पहला क्वेश्चन है 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से किसको नॉमिनेट किया गया है तो दो हजार के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है श्याम श्रीनिवासन को किसको श्याम श्रीनिवासन स् ये देखिए ये हैं श्याम श्रीनिवासन इनको 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है जो ये श्याम श्रीनिवासन हैं ये फेडरल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यानी सी ई के जो डिप्टी गवर्नर हैं एस एस इनकी अध्यक्षता में फाइव मेंबर की एक जूरी बनी थी उसके द्वारा श्याम श्रीनिवासन का नाम सेलेक्ट किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के तौर पर क्योंकि श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के सीईओ हैं तो फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं अप्रैल 1931 में स्थापना हुई थी हेडक्वार्टर इसका कहा है कोची केरला में और एमडी एंड सीईओ कौन है श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक की टैगलाइन आप देख लीजिए योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर यह क्वेश्चन है डी ने रिसेंटली जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन यानी सौ है उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसके कोस्ट से तो डीआरडीओ रिसेंटली ओडिशा कोस्ट से कहां पर ओडिशा के कोस्ट से सौ का एक मिसाइल सिस्टम है जिसको इंडिजिनली डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है देख लेते हैं डीआरडीओ ने सौ यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को हॉक वन हॉक आई एयरक्राफ्ट से सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है हॉक आई एयरक्राफ्ट में सौ मिसाइल की जो फिटिंग थी वो एच ने की थी ये देखिए ये कैप्टिव एंड रिलीज टेस्ट किया गया है कैप्टिव मतलब किसी चीज को पकड़े रहना और रिलीज मतलब छोड़ देना तो हॉक आई जो एयरक्राफ्ट था या हॉक वन ये उड़ रहा था उड़ीसा के कोस्ट पर और वहीं से सौ मिसाइल को कैप्टिव रिलीज सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है किसके द्वारा डीआरडीओ द्वारा तो पहली बार ऐसा टेस्ट किया गया है हॉक आई एयरक्राफ्ट से ये जो सौ मिसाइल है ये 125 केजी की है कितने केजी की है 125 केजी की है और आप जानते ही हैं एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम है यानी कि जब आमने सामने की लड़ाई हो रही होगी तो सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर सकता है सौ को इंडिजिनियसली बनाया गया है किसके द्वारा डी द्वारा बनाया गया है लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है यानी कैप्टिव एंड रिलीज इसको डेवलप किया है एच ने हॉक आई विमान के साथ तो एच की बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका बेंगलुरु में स्थापना कब की गई थी एच की 1940 में किसके द्वारा वॉलचंद हीराचंद के द्वारा हालांकि आप ये याद रखिए कि एच के सी हैं आर माधवन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज जिसका नाम है वाहरे ब्रिज इसको रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में इनोग्रेट किया गया है तो वाहरे ब्रिज को मेघालय में इनग्रेट किया गया है कहां पर मेघालय में ये देख लीजिए मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड के संगमा इनके द्वारा इंडिया के लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वाह ब्रिज का इनाग्रेशन किया गया कहाँ पर सोहबर डिस्ट्रिक्ट में जो कि ईस्ट खासी हिल्स में पड़ता है ये है इंडिया का लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज आर्क के आकार का बना हुआ आप देख सकते हैं 2013 से इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था और दिसंबर 2018 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था टोटल कॉस्ट क्या आई है 4900 सॉरी 49.395 करोड़ की कॉस्ट आई है तो इंडिया का लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज मेघालय में मेघालय में इनोग्रेट किया गया है ईस्ट खासी हिल्स में आप देखिएगा कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एवर जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट इसको भी मेघालय में ही इनोग्रेट किया गया है मेघालय की बात करें तो ये है मैप में मेघालय सी मैंने आपको बता दिए कॉनराइड संगमा है गवर्नर कौन है मेघालय के सत्यपाल मलिक और आपको याद होगा नोकरेख नेशनल पार्क और बलपक्रम नेशनल पार्क ये दोनों मेघालय में ही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी द्वारा इनके द्वारा नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल जिसका नाम है श्रम शक्ति लॉन्च किया गया है किस इंडियन स्टेट में तो श्रम शक्ति को गोवा में लॉन्च किया गया है कहां पर गोवा में ये देख लीजिए ये हैं अर्जुन मुंडा जी इनके द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है कहां पर गोवा गोवा में एक प्लेस है पंझिम वहां पर श्रम शक्ति श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है माइग्रेंट वर्कर्स को ये पोर्टल हेल्प करेगा और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा ताकि जो भी स्कीम बनाई जाए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उनको कैसे इंप्लीमेंट किया है इसके विषय में श्रम शक्ति पोर्टल लोगों को अवेयर करेगा और गवर्नमेंट को भी असिस्ट करेगा तो आप देखिएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा अर्जुन मुंडा के द्वारा कहां पर गोवा के पंजीम में किसके लिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए तो आप याद रखिएगा इसके अलावा अर्जुन मुंडा जी ने श्रम साथी भी लॉन्च किया है इसका मेन पर्पज क्या है श्रम साथी का मेन पर्पज है माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो अपने लाइवलीहुड को यानी जो जीवन यापन कंडीशन है उसको बेहतर कर सकें और प्रोडक्टिव कर सकें मैंने कुछ समय पहले ही बढ़ाया था कि के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या फिर अदर परपज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ दो एम साइन किए थे जिसमें एक एम था प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए क्वेश्चन है एनुअल फेस्टिवल जिसका नाम है तो नेशनल क्राफ्ट मेला तौसाली तो नेशनल क्राफ्ट मेला रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में इनाग्रेट किया गया है तो तौसाली तो नेशनल क्राफ्ट मेला रिसेंटली ओडिशा में इनाग्रेट किया गया है कहाँ पर ओडिशा में ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी इन्होंने तो नेशनल क्राफ्ट मेला नेशनल क्राफ्ट फेयर को इनाग्रेट किया है कहाँ पर भुवनेश्वर में ये जो तौसाली क्राफ्ट मेला है इसमें जितने भी ओडिशा के फेमस हैंडलूम्स हैं हैंडीक्राफ्ट हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है तो ईस्टर्न इंडिया का फेमस क्राफ्ट मेला है जिसका नाम है तोसाली कहाँ पर इनग्रेट मतलब कि इनागरेट किया गया है भुवनेश्वर में किसने इनागरेट किया है नवीन पटनायक जी ने जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं ये जो आपका तोसाली क्राफ्ट मेला है इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तीन आर्टिजन को हैंडीक्राफ्ट अवार्ड दिया गया है और वो तीन विनर कौन है दिलीप कुमार स्वैन इनको पाम लिफ के लिए दिया गया है और दिव्य ज्योति बहरा इनको स्टोर स्कल्पचिंग के लिए दिया गया है और प्रियंका पात्रा इनको टेरा कोटा के लिए दिया गया है तो ये आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट है उसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो ये है मैप में उड़ीसा और इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क ये भी उड़ीसा में स्टैब्लिश हो रहा है सी एम मैंने आपको बता दिए नवीन पटनायक गवर्नर कौन है उड़ीसा के गणेशी लाल उसके अलावा याद रखिएगा एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक ये भी उड़ीसा में है उसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है और इसके अलावा जो व्हीलर आइलैंड है उसका नाम बदलकर अब अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 850 यानी 850 मेगावाट वाले रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए काफी अमाउंट जो है अनाउंस कर दिया है आपको बताना रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस नदी पर स्थित है तो रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चेनाब नदी पर स्थित है कहां पर चेनाब नदी पर यह देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,281.94 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है कितना 5,281.94 करोड़ का अप्रूवल दिया है रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जिसको चिनाब नदर, नदी पर बनाया जा रहा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरेट्री है उसकी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है साठ महीनों में जो ये प्रोजेक्ट है रेटले प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका लाइफ साइकिल क्या होगा फोर्टी ईयस होगा तो रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट फिफ्टी मेगावाट कैपेसिटी है फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी वन पॉइंट फोर नाइन करोड़ अनाउंसमेंट किया गया है और रेटले बन कर, किस पर रहा है चेनाब रिवर पर बन रहा है बना कौन रहा है तो ये जॉइंट वेंचर है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर का पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसमें एन की भागीदारी कितनी है फिफ्टी है आप इतना दिखेगा एन एच से याद आया कुछ समय पहले ही इरेडा और एन के बीच में एक एम साइन किया गया था किस लिए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एन एच पी इंपॉर्टेंट हो गया जान लेते हैं इसके विषय में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन स्थापना हुई थी 1975 में जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी तब हेड क्वार्टर कहाँ है एन एच पी सी का फरीदाबाद में और सी कौन है एन के अभय कुमार सिंह तो रेटले प्रोजेक्ट याद रखिएगा क्वेश्चन है सुंदरम फिनांस बैंक के नए एमडी कौन नॉमिनेट किए गए हैं तो सुंदरम फिनांस बैंक के नए एमडी होंगे राजीव लोचन कौन होगा राजीव लोचन ये देख लीजिए ये हैं राजीव लोचन जी ये सुंदरम फिनांस बैंक के नए एम होंगे किसको रिप्लेस करेंगे ये तो टी टी श्रीनिवास राघवन को रिप्लेस कर देंगे मिस्टर लोचन इससे पहले डायरेक्टर थे स्ट्रेटजी के कहां पर सुंदरम फाइनेंस में ही अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे याद रखिएगा इसके अलावा डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है तो हर्षा विजी हर्षा विजी जो है डेप्यूटी एम थे अब उनको वाइस चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है किसमें सुंदरम फिनेंस में तो राजीव लोचन आपके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं और हर्षा विजी ये सुंदरम फिनान्स में वाइस चेयरपर्सन बन गए हैं बात करें अगर सुंदरम फिनांस लिमिटेड की तो 1954 में स्थापना हुई थी हेडक्वार्टर कहाँ इसका चेन्नई में है और अब राजीव लोचन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कस्टमर्स को फिक्स डिपॉजिट सर्विसेज फैसिलिटेट करने के लिए किस पेमेंट बैंक द्वारा सूर्योदय स्मॉल फाइनांस बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसने पेटीएम पेमेंट बैंक ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट होल्डर्स होंगे उनको फिक्स डिपॉजिट सर्विस इजिली प्रोवाइड करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बन गया है जो अपने कस्टमर्स को मल्टी पार्टनर फिक्सड डिपॉजिट सर्विस प्रोवाइड करेगा तो ये भी याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक जो अपने कस्टमर्स को मल्टी पार्टनर फिक्सड डिपॉजिट सर्विस प्रोवाइड करेगा इसके लिए पेमेंट बैंक द्वारा मतलब पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा सूर्योदय स्मॉल फिनंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है आप सबको पता है जो पेमेंट बैंक होती हैं वो मैक्सिमम एक लाख तक का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं इसके अलावा एक और रिस्ट्रिक्शन होता है कि क्रेडिट कार्ड रिलीज नहीं कर सकती हैं पेटीएम बैंक लोन भी नहीं दे सकती हैं इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करना होता है तो आप इतना जरूर देखिएगा हालांकि इंडिया की पहली पेमेंट बैंक कौन थी तो वो थी आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोलिना मारिन इन्होंने थाईलैंड ओपन सुपर थाउजेंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है आपको पता है कैरोलिना मारिन किस कंट्री से बिलोंग करती हैं तो फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं कैरोलिना मारिन किस कंट्री की है स्पेन की ये देख लीजिए कैरोलिना मारिन स्पेनिश प्लेयर हैं इन्होंने जो थाईलैंड ओपन सुपर थाउजेंड बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा था उसमें सिंगल का खिताब जीता है किसको हराया है ताई तुजू यिंग को ताइवान की जो चाइनीज ताइपे ही कहा जाता है ताइवान की ताई तुजू इंग को कैरोलिना मारिन ने हरा दिया है और कैरोलिना मारिन कहाँ से बिलोंग करती हैं स्पेन से आपको ये जरूर याद रखना है बात करें थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट की तो इसको टोयोटा ने फिनांस किया था कहां पे हो रहा है थाईलैंड के बैंकॉक में हो रहा है थाईलैंड की करेंसी क्या है वैसे थाई बहेट और ये जो थाईलैंड ओपन सुपर थाउजेंड बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है तो बर्ड जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है वो ऑर्गेनाइज करता है बी के विषय में हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली जो टेंथ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है हुए थे उसकी ट्रॉफी किसने जीती है तो दसवीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है आई ने इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स बॉर्डर पुलिस इसने टेंथ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है जिसको आई द्वारा गुलमर्ग लद्दाख के गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज किया गया था इस समय आइस हॉकी चल रही थी लद्दाख में दसवां एडिशन उसका चल रहा था जिसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इसके द्वारा जीत लिया गया है मैं बता दूं आइस हॉकी को आईएचआई द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है इस साल भी दसवां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था लद्दाख में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बात करते हैं आईटीबीपी की इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन को इसकी स्थापना हुई थी हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है डाटा जनरल आई कौन है एस एस देसवाल और मोटो क्या है सौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज रिसेंटली इनका निधन हो गया नरेंद्र चंचल इनका निधन हो गया दूसरे कौन है लैरी किंग इनका भी निधन हो गया देख लेते हैं ये है नरेंद्र चंचल सभी लोग जानते होंगे जाने माने भजन गायक भजन सिंगर नरेंद्र चंचल निधन हो गया है इनका अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे नरेंद्र चंचल दूसरे हैं लैरी किंग इनका भी निधन हो गया आपको याद होगा अमेरिका के टेलीविजन में कई बार देखते थे अगर आप अमेरिकन होंगे तो जरूर जानते होंगे लैरी किंग इनका भी निधन हो गया एक्टर थे अमेरिकन क्वेश्चन है अवलोकन सॉफ्टवेयर रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है तो अवलोकन सॉफ्टवेयर को कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसने कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये देख लीजिए कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं बी एस येदुरप्पा इन्होंने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है अवलोकन सॉफ्टवेयर so का मेन पर्पस क्या है कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव करती है उस पर निगरानी रखेगा ये अवलोकन सॉफ्टवेयर कितनी भी निगरानी रख दो जी हर चीज़ का बाईपास हो ही जाता है तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ग्रांट या एलोकेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए उन सब पर निगरानी रखने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो आप ये जरूर देखिएगा कर्नाटका में रिसेंटली जो हमारे अजीम प्रेम जी हैं उनको प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है किसने बी एस पर ही ये अवार्ड देंगे आपको मैंने पढ़ाया था हालांकि वो जब देंगे तो देख लेंगे कर्नाटक के गवर्नर कौन है भज्जूह है वाला सीएम मैंने बता दिया आपको वी एस यद्यूरप्पा कर्नाटका में बैनरघट्टा नेशनल पार्क है कहाँ पे बैंगलोर में बांदीपुर नेशनल पार्क है आपके कर्नाटक में नगरहोर नेशनल पार्क है कुंद्रेमुख टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है मधुमलई नेशनल पार्क है ये सारे कर्नाटक के नेशनल पार्क है उसके अलावा इंडिया में एलिफेंट की हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटक में पाई जाती है सेकंड नंबर पे सॉरी ये केरल नहीं होगा असम सेकंड नंबर पे असम में पॉपुलेशन पाई जाती है हाथियों की क्वेश्चन है 2021 के माइकल एंड शेला हेल्ड प्राइज के लिए कितने लोगों का नाम नॉमिनेट किया गया है अच्छा ये जो 2021 का माइकल एंड शेला हेल्ड प्राइज दिया गया है ये रामानुजम का एक ग्राफ ग्राफ था कैडिसन सिंजर प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है तो 2021 में तीन लोगों को तीन लोगों को माइकल एंड सेला हेल्ड प्राइज से सम्मानित किया जाएगा अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया के निखिल श्रीवास्तव भी इन तीन लोगों में शामिल है निखिल श्रीवास्तव जाने माने यंग इंडियन मैथमेटिशियन हैं जिनको उन तीन लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है जिनको 2021 का माइकल एंड सेला हेल्ड प्राइज दिया जाएगा इसलिए क्योंकि रामानुजन का जो ग्राफ था उसको अब जाके सॉल्व कर पाए हैं जो नाम था उस प्रॉब्लम का कैडिसन सिंजर प्रॉब्लम तो ये तीन लोग हैं ये हैं निखिल श्रीवास्तव बाकी ये दो लोग हैं अमेरिका से एडम मार्कस और डेनियल एलन स्पेलमैन ये तीन लोग यानी कि निखिल श्रीवास्तव जो कि कैलिफोर्निया में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं उसके अलावा एडम मार्कस और डेनियल एलन स्पेलमैन इनको 2021 के माइकल एंड सेला हेल्ड प्राइज से सम्मानित किया जाएगा आप इतना याद रखिएगा माइकल एंड हेला हेला नहीं सेला माइकल एंड सेला जो प्राइज़ है इसको एनुअल तौर पर दिया जाता है यू में किसके दिया जाता है माइकल एंड सेला हेल्ड फाउंडेशन है उसके द्वारा टू थाउजेंड सेवेंटीन से दिया जा रहा है और एक लाख डॉलर का कैश रिवॉर्ड इसमें दिया जाता है तो निखिल श्रीवास्तव का नाम याद रख सकते हैं आप इंडियन मैथमेटिशियन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टैक्स डिफॉल्टर्स होते हैं उनके लिए फेसलेस असेसमेंट अपील एंड पेनल्टी प्रोसीडिंग को लॉन्च करने वाला ऐसे सिस्टम को लॉन्च करने वाला पहला कंट्री बन गया कौन बन गया है तो इंडिया इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसने टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए फेसलेस असेसमेंट अपील एंड पेनल्टी सिस्टम लॉन्च कर दिया है देख लेते हैं न्यूज़ क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर सेटअप करेगी ये जो फेसलेस पेनल्टी सेंटर है ये टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के लिए फेसलेस मैकेनिज्म डेवलप करेगा ताकि उन पर पेनल्टी लगाई जा सके तो इस तरह से इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जिसने टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के लिए चाहे पेनल्टी प्रोसीजिंग हो असेसमेंट हो अपील हो उन सब के लिए फेसलेस तरीके से काम करेगा ये जो सारी रिस्पॉसबिलिटी फेसलेस नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर की दी जाएगी वो सी को दी जाएगी और सी ने कहा है कि जितने भी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर हैं जहाँ पर असेसमेंट होता है टैक्सेस का उनको अभी इस नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर के तौर पर यूज़ किया जाएगा आपको याद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी पीएम मोदी जी ने एक ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था किसके लिए डायरेक्ट इनकम टैक्स वाले यानी डायरेक्ट इनकम टैक्स वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए इस ऑनरिंग द्लेटफॉर्म में बताया गया था कि फेसलेस असेसमेंट होगा faceless appeal होगी और टैक्स के लिए चार्टर लाया जाएगा तो ये तीन की बताए गए थे उन्हीं में से faceless assessment और faceless appeal का तो आपका आ गया नेशनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर ये इंडिया पहला कंट्री बन गया है जो इसको लॉन्च करेगा CBDT इसकी इन सोल अथॉरिटी है तो इसके विषय लीजिए नाइनटीन लीजिए। 1963 में सीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट पास हुआ था 1963 में उसी के तहत सी बी डी टी अपॉइंट की गई थी चेयरपर्सन कौन है पीसी मोदी मोदी जी के भाई बहन नहीं याद रखिएगा के लिए किसने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो दिल्ली में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सेटअप करने के लिए सी ए क्यू एम किसने सी ए क्यू एम ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है ये देख लीजिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सी ए क्यू एम में एन और उसके आसपास के एरियाज़ में एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सेटअप करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है ये जो डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम होगा दिल्ली एन सी में पोल्यूशन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा इसमें आसपास के जो स्टेट्स हैं हरियाणा पंजाब यूपी उनके भी मेंबर शामिल होंगे और डिसीजन लेंगे ताकि दिल्ली एन सी में पोल्यूशन को कम किया सके मैं आपको बता दूँ पहले दिल्ली एन के लिए जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करती थी वो ई करती थी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी जिसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 1998 नाइन्टी एट में सेटअप किया गया था और पावर्स दी गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई को एबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसकी स्थापना कर दी नवंबर 2020 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आप दे रखिएगा इसमें टोटल एट्टीन मम्बर होते हैं कितने एट्टीन मेम्बर होते हैं उसके अलावा इसका जो एक चेयरपर्सन होता है उसका टेन ईयर होता है थ्री ईयर्स और मैक्सिमम सेवेंटी ईयर की एज तक वो बन सकता है ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसको दिल्ली एन में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है तो ये फैक्ट याद रखिएगा अच्छा सी ए क्यू एम किस रिप्लेस करेगा तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ई पी सी ओ को रिप्लेस करेगा क्वेश्चन है एन एच सी आई द्वारा इस वर्ष अपनी एसेट्स के मोनिटाइजिंग के द्वारा कितने फंड को रेज करने का प्लान किया गया है तो एन ने कहा है कि वो अपने एसेट्स का मोनिटाइजेशन करके इस वर्ष के अंत तक टेन थाउजेंड करोड़ का कितना टेन थाउजेंड करोड़ की फंड कलेक्ट करेगी ये देख लीजिए एन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि अपने फंड जो अपने एसेट्स हैं जैसे इनविट्स हुआ या टी हुआ उनका मोनिटाइजेशन करके वो इस वर्ष टेन थाउजेंड करोड़ का फंड जो है कलेक्ट करेगी स्टार्टिंग करेगा इनवेट्स के जो बारह हजार बारह सौ किलोमीटर के हाईवे हैं उनसे शुरुआत की जाएगी और पहले ट्रांच में सिक्स हंड्रेड किलोमीटर का जो हाईवे है इन्वेट्स का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो हाईवे है उसकी नीलामी की जाएगी नीलामी का मतलब ये है जो टोल होंगे या फिर रिलेटेड एसेट्स होंगी उनको बेच दिया जाएगा और उनका ठेका किसी और को दे दिया जाएगा इससे एन के पास फंड आ जाएगा और वो और कई सारे काम करने में मतलब कि लग जाएगा तो एन ने कहा है कि अपनी एसेट्स के मोनिटाइजेशन से इस बार टेन थाउजेंड करोड़ कलेक्ट कर लेगा इनबिट्स तो आप सबको भी पता है सेबी ने टू थाउजेंड फोर्टीन के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कहा है कि इनबिट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होगा हालांकि एन के विषय में आप देखिएगा नाइनटीन uh, एटी एट में इसकी स्थापना हुई थी एन एच की बाकी सुखविंदर सिंह संधु इसके चेयरपर्सन हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुबली कर्नाटका में एक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है उसके कंस्ट्रक्शन की जो फाउंडेशन स्टोन है किसने रखी है तो नितिन गडकरी नितिन गडकरी ने हुबली में एलिवेटेड कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्चुअल तरीके से ये देख लीजिए ये हैं हमारे नितिन गडकरी जी इन्होंने हुबली कर्नाटक में एक एलिवेटेड कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन वर्चुअल तरीके से रखा है इस समय कर्नाटका जो नॉर्थ कर्नाटका है वहाँ पर ट्वेंटी वन थाउजेंड करोड़ की लागत से एट फोर्टी सेवन किलोमीटर के थर्टीन हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन्हीं थर्टीन हाईवे प्रोजेक्ट में से एक है हुबली धारवाड़ हाईवे जो कि फोर लेन का हाईवे है इस हुबली धारवाड़ हाईवे पर ही एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा है नितिन गडकरी ने तो ये रामकथा है और ये समाप्त हुई आपके एलिवेटेड कॉरिडोर पर आके हुबली इसमें चर्चा में बहुत है क्यों जो कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया था उसके अलावा साउथ वेस्ट रेलवे हुबली में ही वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म को बना रहा है जिसकी लेंथ होगी 1505 मीटर जब ये बन जाएगा तो ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन को रिप्लेस कर देगा अभी गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड में सब, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह है नेक्स्ट क्वेश्चन एरो इंडिया ट्वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन राजनाथ सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया है किस इंडियन सिटी में तो बेंगलुरु में कहाँ पे बेंगलुरु में राजनाथ सिंह जी ने एरो इंडिया ट्वेंटी वन मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है ये देख लीजिए बेंगलुरु में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया ट्वेंटी वन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है इसमें आ, हैशल फ्री इंट्री कैसे की जाए एरो इंडिया जब होगा ऑर्गेनाइज उस दौरान उसके विषय में लोगों देगा एक तरह से इंटरेक्टिव इंटरफेस होगा ऑनलाइन तरीके से सब कुछ करवाएगा तो आप याद रखिएगा एरो इंडिया ट्वेंटी वन ये फरवरी में यानी फरवरी 2021 में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा जो यला हंका एयरबेस है बेंगलुरु में वहाँ पर पहली बार इसको हाइब्रिड तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा यानी कुछ वर्चुअल तरीके से होगा कुछ फिजिकल तरीके से होगा जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो वर्चुअल तरीके से एरो इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया पार्टिसिपेशन जो मैं आपको बता दूँ एयर इंडिया एयर शो ये एक बाई एनियल यानी दो वर्षों पर होने वाला एक एयर शो है हर वर्ष बेंगलुरु में ही होता है येला हंका एयरबेस स्टेशन पर पहली बार जो एयर इंडिया शो है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था 1996 में अच्छा इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है तो डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है एरो इंडिया एग्जीबिशन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, किसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है अपने न्यू शेफर्ड यानी एनएस फोर्टीन रॉकेट बूस्टर एंड कैप्सूल की फोर्टीन टेस्ट फ्लाइट तो एन सॉरी एन एस फोर्टीन की फोर्टीन टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है ब्लू ओरिजिन ने ब्लू ओरिजिन तो अमेरिका में सिर्फ स्पेस एक्स ही प्राइवेट फर्म नहीं है ब्लू ओरिजिन भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो स्पेस की फील्ड में काम कर रही है ब्लू ओरिजिन इसने अपने एनएस फोर्टीन जो रॉकेट या फिर कैप्सूल है उसकी फोरटीनथ टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है तो मैं आपको बता दूँ ब्लू ओरिजिन जो प्लान कर रहा है स्पेस में अपने फर्स्ट क्रू को भेजने की तो उसी के स्टेप के तौर पर ये लास्ट रिमेनिंग स्टेप बना बचा था जिसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है ब्लू ओरिजिन ने तो एन एस फोर्टीन ये ब्लू ओरिजिन का रॉकेट एंड कैप्सूल है कैप्सूल में हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे जिनको सक्सेसफुली कैरी किया जाएगा तो ये जो न्यू सेफर्ड रॉकेट है या फिर एन एस फोर्टीन आप कह सकते हैं न्यू सेफर्ड को एन एस फोर्टीन कह सकते हैं हंड्रेड किलोमीटर्स की हाइट पर गया है वहाँ तक टेस्ट किया गया है इसको ब्लू ओरिजिन यह अमेरिका की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है इसके फाउंडर कौन है जेफ बेजोस और हालांकि सीईओ कौन है बॉब स्मिथ तो आप देखिएगा वाशिंगटन में ब्लू ओरिजिन का हेडक्वाटर है और 2000 में स्थापना की गई थी तो जेफ बेजोस भी कम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है नोविया जो कि एक यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है इसको किसके द्वारा एक्वायर किया गया है तो नोविया को एक्वायर किया है कॉलकॉम ने क्वालकॉम ने एक्वायर किया है नोविया को टोटल डील हुई है 1.4 बिलियन डॉलर में तो अब कॉलकॉम टेक्नोलॉजीज का पार्ट होगी नूबिया आपको याद ही होगा 2019 में नूबिया को बनाया था एप्पल के जो टिम कुक वगैरह थे इन्होंने मिलकर बनाया था तो अब उसको एक कर लिया है कॉलकॉम प्रोसेसर ने कॉलकॉम भी अमेरिका की ही एक फर्म है हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया को वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहते हैं कॉलकॉम के सीईओ कौन है क्रिस्टियानो अमोन 1985 में कॉलकॉम को इरविन एम जैकब्स ने स्थापित किया था ये आज की वीडियो से क्वेश्चन आई होप कि आप इन दोनों का ही जवाब दे पाएंगे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए टेक केयर गुड बाय